जनपद चित्रकूट का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब लोगों को इसके उद्घाटन की हरी झंडी का इंतजार है और जल्द ही मार्च महीने के पहले सप्ताह में यहां से उड़ान भरना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि चित्रकूट के एयरपोर्ट से फ्लाइंग विंग कंपनी का 20 सीटर प्लेन चित्रकूट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान भरेगा, जो शुरुआत सप्ताह में दो दिन की लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा, जो बाद में ज़्यादा दिनों की उड़ान का समय बढ़ाया जा सकता है। अब लोग एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर चित्रकूट से जल्द उड़ान भरने की खबर वायरल हो रही है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का कहना है कि छोटे रनवे, बिल्डिंग और अप्रोच रोड सहित लगभग सभी निर्माण का काम पूरा हो चुका है। डीजीसी की टीम ने बीते सितंबर माह का निरीक्षण कर लिया था, इसका हमें लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है और जल्द ही फ्लाइट शुरू होने की सूचना का इंतजार है। अब देखना होगा कि चित्रकूट वासियों का सपना जल्द ही उड़ान भरेगा। बता दें कि चित्रकूट एयरपोर्ट बुंदेलखंड का पहला एयरपोर्ट है। यहाँ के अलावा बुंदेलखंड के जिलों में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन था छोटे वाले रनवे का, वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, अप्रोच रोड का भी काम पूरा हो चुका है और डीजीसी की टीम ने इसको निरीक्षण कर लिया था साल दिसंबर में और जनवरी में हमें इसका लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है। तो अब जैसे ही आगे इसमें फ्लाइट शुरू होने की सूचना होगी तो आपको अवगत कराएंगे।